बिजनेस लाइन में सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। लंबे समय से फरार चल रहे थे शातिर, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन को दबोचा। दिल्ली से सटे नोएडा में लूट की 11 वारदातों को अंजाम देकर अपना खौफ कायम करने वाले बदमाशों के गैंग के तीन सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ के बाद धर दबोचा गया है। मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बदमाशों के तीसरे साथी को पुलिस काबिज के बाद दबोचने में सफल रही। पुलिस में घायल बदमाशों को नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और एक कार बरामद की गई है। दोनों आरोपी खतरे से बाहर हैं। इन बदमाशों को नोएडा पुलिस ने वर्ल्ड सेंचुरी के गेट नंबर 2 के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल खतरे से बाहर है। वर्ल्ड सेंचुरी के पास से गिरफ्तारी। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाशों से पूछताछ के लिए SSP जिला अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घायल बदमाशों की पहचान फुरकान और शाहरुख के रूप में हुई है, जबकि इनके तीसरे साथी फरहान को पुलिस काबिज के बाद दबोचने में सफल रही। तीनों बदमाश कार में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।